केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बल्लेबाज मनोज तिवारी मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। ये बात काफी समय से चर्चा में रही है। पिछले बुधवार को आरपीएस और केकेआर के बीच मुकाबले के दौरान भी मनोज तिवारी और गौतम गंभीर के बीच गर्मा गर्मी देखी गयी। दोनों खिलाड़ी इस मैच के दौरान जुबानी जंग में उलझते हुए देखे गए। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने जीत के लिए 183 रनों का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम ने सुनील नारायण का विकेट जल्द ही गवा दिया, लेकिन गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर केकेआर के लिए जीत को बहुत आसान बना दिया। केकेआर की पारी के 15वें ओवर में गौतम गंभीर और विपक्षी टीम के खिलाड़ी मनोज तिवारी के बीच जुबानी जंग भी हुई। इससे पहले इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साल 2015 में दिल्ली और बंगाल के बीच फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर हुए रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान भी दोनों के बीच बहस हो गई थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।